वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है एक्सोरो टाइल्स लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 153.50 रुपये, जो इसकी आज की डे की क्लोजिंग हुई है 1.4% इसने लो पे अपनी दी है। अब थोड़ा इसके बारे में स्टडी करने पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं और मैं बताऊँगा कि आपको ये शेयर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखना है तो उसका टारगेट क्या होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BSE के ऊपर आया हूँ, जैसे कि BSE के सामने इस शेयर की आज की जो डे की परफॉर्मेंस है आपके सामने, जैसे कि ओपन हाई लो और एवरेज प्राइस क्या था। 52 वीक इसका हाई है 168 रुपीस और 52 वीक लो है 120 रुपीस, और कितने शेयर ट्रेड हुए हैं तो आज की डेट में करीब 22,000 शेयर ट्रेड हुए हैं जिनकी वैल्यू 34,32,000 है, और मार्केट जो कैप है इस कंपनी का वो सिर्फ 683 करोड़ का है। अब यहाँ पर डिटेल नहीं है क्योंकि इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में लिस्ट हुए। अब एक बार देखो यहाँ पर देख लेते हैं इसके फंडामेंटल, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने आ रहा है रिटर्न वर्सेस FD बहुत बेटर है, डिविडेंड नहीं पे करता ये और एंट्री पॉइंट के लिए गुड दिखा रहा है। डिविडेंड इसका की डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है इनको लिस्ट हुए। अब फोरकास्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जैसा कि आपके सामने किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाई के लिए कह रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। अब यहाँ पर देखेंगे आप जैसा कि इसकी जो रिवेन्यू की ग्रोथ रेट है वो 15% है। रिवेन्यू जो इसके लास्ट के 5 ईयर की यहाँ डिटेल है, लास्ट के 5 सालों के अंदर जो इसकी एवरेज ग्रोथ रेट है रिवेन्यू की वो करीब 15% है, पर जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी माइनस में ग्रोथ रेट है, और इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है और इसकी नेट इनकम की ग्रोथ रेट है करीब 6%, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है। मतलब जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी उस सेक्टर की ग्रोथ रेट माइनस में, पर ये कंपनी पॉजिटिव के अंदर है, तो काफ़ी अच्छे संकेत है। अब बात करते हैं 2018, 19, 20 और 21 के फाइनेंस ईयर के बारे में। 2018 का जो इसका फाइनेंस ईयर है उसमें इसका टोटल जो रिवेन्यू था वो 221 करोड़ का था, और 2019 में बढ़ के 244 करोड़ का हो गया, 2020 में 243 करोड़ का, पर थोड़ी कमी आई है, पर कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। फाइनेंस ईयर 2021 में 260 करोड़ के आसपास, 259 करोड़ 86 लाख, तो आप देखो थोड़ी कमी है, करीब 560 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू है। नेट इनकम की बात करते हैं, जैसे कि 2018 में इनकी नेट इनकम थी 17 करोड़ के आसपास ये, पर 2019 में इनकी नेट इनकम कम हुई है करीब 8 करोड़, फिर 2020 में थोड़ी इनकम बढ़ी है और 2021 में भी इनकी इनकम बढ़ी है। जैसे कि आप देखोगे कि 2019 में इनका रिवेन्यू तो बड़ा था पर इनकी इनकम कम हुई थी। इनकम कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनी उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देती है, तो उस कंडीशन में इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम दिखता है। अब आपके सामने आगे पर लास्ट के 3 सालों की बात करते हैं तो इसकी इनकम रिवेन्यू बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर होल्डिंग के ऊपर आए हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की 42% होल्डिंग है और काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। फिर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3.4%, उसके बाद होल्डिंग है डीआई की होल्डिंग बहुत कम है, फिर FI की, उसके बाद बाकी जितनी भी होल्डिंग है अदर पार्टी पे है, और अदर पार्टी पे देखोगे करीब 16% होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर पे, बाकी 33% होल्डिंग है अदर पार्टी के ऊपर। अब देखो इसमें कोई हम टेक्निकल चार्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, इसलिए कोई प्रॉपर इंडिकेटर इस पर वर्क नहीं करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी का जो इसका प्राइस है, जैसे कि आपके सामने 153 रुपये प्राइस है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है इस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि कंपनी को की ग्रोथ हो रही है, पर पता क्या होता है जैसे टाइल्स बनाती है तो ये सेक्टर है ना, तो इस सेक्टर में ना ग्रोथ स्टेबल होती, शेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एक स्टेबल ग्रोथ तो मिलेगी आपको, पर ये नहीं कि इसका शेयर अच्छे आज 150 रुपये है, 2 साल बाद 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा या 500 हो जाएगा, 3-4 गुना जो होता है ना कि आने वाले टाइम में ये 50 शेयर 500 पहुंच गया, ऐसी चीज़ नहीं होती। इसमें स्टेबल ग्रोथ होती है कि आपको अगर आप साल का 10-15% आपको रिटर्न दे के जाएगा, एक कंपाउंड आपको ग्रोथ मिल सकती है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी ठीक है कि कंपनी स्टेबल है, कंपनी की आप देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो फिर भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरी सलाह है कि 1 क्वार्टर वेट करे, जब अगले क्वार्टर की परफॉर्मेंस आएगी उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमारे सामने एक बात क्लियर होगी। जैसे कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टेबल है या म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये 2 कंडीशन आएंगे। अगर म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग कम करता है तो उस कंडीशन में इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है,
सिंपल कहता हूँ, अगर एफआई है ये अपनी होल्डिंग कम करेगा तब, पर अगर अगले क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई तो डेफिनेटली तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। पर फिर भी हमें एक अगला क्वार्टर तक वेट करनी पड़ेगी। अगर किसी ने शेयर में ट्रेड करना है ना, तो जो इसका अगर जो आखिरी स्टॉप लॉस है वो 120 का, अगर इसको ब्रेक करेगा तभी कोई बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। जैसे कि अभी शेयर का प्राइस 153 है और पूरे चांस अगर वो 168 के ऊपर सस्टेन होता है ना, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा बूम दे सकता है। पर फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 120 के एसएल को कभी ब्रेक मत होने देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।